कंपनी ने हमें बुलाया था कलाकारों को, ये कहकर कि बेसिक लॉन्च है और हमसे यहाँ परफॉर्म करवाया जा रहा है, इससे साबित होता है कि हम सब लोग मनमानी मनमानी भाषी का बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर म्यूजिक लॉन्च के लिए आपके यहाँ पर आए, अगर है तो आज हिंदुस्तान से एक जाकिर हुसैन साहब और ये दूसरे आकिर हुसैन। तमाम मीडिया को मैं प्रणाम करता हूं। मीडिया सबकी दुनिया रहती है, क्यों ना रहे, ये कहा जाता है प्रेस, मगर कुछ बातें लोग अच्छी चीजें कर जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बार नहीं बोलता। तो भाई लोग तो कर रहे हैं, ज्यादा आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, भाई अपना कर रहे हैं, तो रियलिटी जो है बड़ा रोमांटिक इंसान है। एक बार मैं बच्चे के साथ स्कूल गया था तो बच्चे ने कहा पापा पापा हमारी लेडी टीचर बहुत सुंदर है ना, तो सुना मैं कह रहा ऐसा नहीं कहते बेटा, टीचर मां की तरह होती है। बच्चा बोला क्या पापा यहाँ के अंदर जुड़ा, बहुत जबरदस्त किस्म का इंसान है, हमारा प्यारा अदाकार है, बिहेव बहुत अच्छा, मनोरंजन किया सबका, अदृश्य हो गया, गायब हो गया, इतना बड़ा तारक कभी आता कभी जाता, ये थोड़ा तारक भी बिहेव किया है। तो यह भी उनके साथ बता दूं, तो उनके डॉक्टर के साथ मिले थे वहां, एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट में चले गए थे, क्योंकि नाम भी आया कि लड़की ने कहा सारी तुम भी आया कि ना, तो छोटे छोटे लोकल रेस्टोरेंट में देख जाओ, मुझे किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाओ, हम साथ में खाना खाएंगे, लेकर गया वहां पर, ऑर्डर किया, ये किया वो किया, तो बैग में से जो खाना खा रहे थे वो से खिला के खाना खत्म हुआ, वेटर ने बिल दिया, इसने जेब जेब चेक किया तो बड़े ऑफर में खुल गया। क्या हुआ कि तुम्हारा मुंह सूख क्यों गया, तो गाने में जब उसे कहता है मुंह सुखाने की वजह तुम बेचुकाने की सजा तुम हो, उनके बारे में कहना चाहिए कि हम सब उल्लू है, टाइटल बड़ा अजीब सा है और कहते हैं कि हम सब उल्लू है, तो टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम सब उल्लू है, मतलब कॉमेडी फिल्म है, क्योंकि हर कैरेक्टर अपने आप में कुछ ना कुछ अनोखा है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता है कि जिसको लोग देख कर समझ सकते हैं कि यार ये पता नहीं मामला जो है हंसी मजाक का मामला है, तो सारे के सारे कैरेक्टर जो है अपने आप में बड़े फख्र से कह रहे हैं, काम कुछ भी कर रहे लेकिन बड़े फख्र से कह रहे कि हम सब उल्लू है। तो ये फिल्म मुझे लगता है कि परिवार के साथ में जाके देखना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉमेडी फिल्म है, हमने करते हुए बड़ा एंजॉय किया फिल्म को। देखिए फिल्म की कहानी एक जाहिर सी बात है, जरूर पूरी ओपन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इजाज़त नहीं है, लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी पर है और सब लोग अपने अपनी प्रॉपर्टी को पाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उनमें से मैं भी एक कैरेक्टर हूँ। अभी जैसे कि इतने बहुत कॉमेडियन हैं जी, हर एक कितना कितना स्कोप है, और मतलब किस तरह के सुनील पाल जो किस तरह सुनील पाल है वैसे ही रहेंगे या कुछ, ये इस फिल्म की बेस्ट चीज़ यही है कि कैरेक्टर के हिसाब से कहानी के हिसाब से आर्टिस्ट से काम करवाया गया, ये नहीं कि आर्टिस्ट कोई ऐसा है तो उसको वैसा काम करा दो, नहीं, तो जिस जिसकी जहाँ जहाँ जरूरत है कहानी के हिसाब से, कहानी खत्म नहीं होना चाहिए, कहानी मरना नहीं चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखा है। जैसे कि नॉर्मली हम सब उल्लू है, कोई किसी को उल्लू नहीं
नहीं कहना चाहता, भाई वैसे देखा जाए तो उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन होता है, तो उसे उस हिसाब से तो उल्लू कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। और शादीशुदा लोग 90% लोग कह रहे हैं कि जिन जिनकी शादियाँ हुई 90% लोग आज कह रहे हैं कि हम सब उल्लू है, तो कम से कम 90% लोगों को रिप्रेजेंट करती है फिल्म, वो लोग देखने जा सकते हैं। गाने को रिलीज़ किया जा रहा है और वहाँ हम सबको ऑडियंस से ऐसा रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो ये सचमुच अपने आप एक बहुत अच्छा अनुभव है और ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से हर चीज़ को सुन रही है। मुझे लगता है बस ऐसे ही दर्शकों का आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, तो आज जैसे ये फंक्शन हिट हुआ है आगे चल के फिल्म भी हिट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।